मेरा नाम अभिषेक है और आज इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूं लिपिक वेतन विसंगत के बारे में। देखिएगा दोस्तों, आज से पहले 2016 के बाद से स्पेशली काफ़ी तगड़ा प्रोटेस्ट हुआ था एंड जो हमारे लिपिक वर्गीय कर्मचारी हैं, हमारे दोस्त हैं, हमारे साथी, हमारे सीनियर्स हैं, उन पे अत्याचार हुआ है, उनको यातनाएं दी गई हैं, उनको जेल में बंद रखा गया है। आप ये इमेजेस देख सकते हैं उनके साथ कितना अत्याचार हुआ है। देखिएगा दोस्तों, हमारा फर्ज बनता है कि हम सिर्फ स्वार्थी न होके, खुद के बारे में न सोच के, अपना केवल हित न साध के, बल्कि एक धर्मयुद्ध की तरफ आगे बढ़ें। और धर्मयुद्ध यही है कि हमारी जो मांग है, जो लिपिक वेतन विसंगत दूर करने की मांग है, वो बहुत जायज़ है और काफ़ी पुरानी है। और ये हक बनता है हमारा कि हम 2400 ग्रेड पे और 2800 ग्रेड पे, एक्चुअली जो रमेश चंद्र शर्मा कमेटी बनी थी उन्होंने गाइड किया था कि हमें 2400-2800 ग्रेड पे मिलना चाहिए, लेकिन देखिएगा 2400 ग्रेड पे जो कि डिटेंटिव ऑपरेटर एंड शिक्षक संवर्ग वर्ग 3 का है, हम उसी को मांग रहे हैं, हम कोई और ज़्यादा नहीं मांग रहे हैं। तो देखिएगा दोस्तों, बात क्या है, अब 2016 में जब कमेटी बनी थी उसके पास तो आंदोलन हुआ ही था, उसके पहले भी आंदोलन हुआ था, लेकिन जब कमेटी बनी तो यहाँ के एम्प्लॉयज़ को लगा कि चलिए अब गवर्नमेंट हमारी बात सुनेगी, उनको इतने झांसे में रखा गया। अब होता क्या है कि कमेटी बनने के बाद रिपोर्ट भी आ जाती है 2017 में, अब मांग और तेज उठ जाती है और 2018 में याद रखिए कि चुनाव होने वाले होते हैं, तो यहाँ के एम्प्लॉयज़ को समझ में आ जाता है कि गवर्नमेंट जो अभी बीजेपी गवर्नमेंट है वो अभी नहीं बढ़ाने वाली है, उस टाइम पे भी बीजेपी थी 2017 में। देन वो कमलनाथ से मिलते हैं एंड प्रतिज्ञा करते हैं कि हम आपको जिताएंगे, एंड कमलनाथ भी यकीन दिलाते हैं कि हम आपका ग्रेड पे यह वेतन विसंगति दूर कर देंगे, बढ़ा देंगे। होता क्या है कि कमलनाथ जी भी धोखा देते हैं, मतलब वो भी लटकाए रहते हैं ऐसे, और काफ़ी सारे ऐसे मैसेजेस भी हैं कि हम लिपिक वर्ग या लिपिक कैडर इसको गलत स्वरूप में ले रहे हैं कि गवर्नमेंट बढ़ाना चाहती है और हम नहीं बढ़ाने, हम सोच रहे हैं कि नहीं बढ़ेगा, ऐसा हम अफवाह फैला रहे हैं या फिर ऐसा हम सोच रहे हैं, लेकिन ये बात सही नहीं है। एक्चुअली गवर्नमेंट के पास ये मामला प्रक्रियाधीन है, लेकिन गवर्नमेंट इसे असल में बढ़ाना ही चाहती, हमें धोखे में रख रही है, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो। दूसरी बात यह दोस्तों कि अभी तक होता क्या है कि हमारे जितने भी सीनियर्स रहे हैं, हमारे जितने भी साथी रहे हैं, उन पर इतने ज़्यादा यातनाएं हुई हैं, अत्याचार हुआ है और काफ़ी लोगों का हृदय टूटा है कि किस तरह से कुछ हमारे ही बीच के, हमारे संवर्ग के लिपिक वर्गीय लोग पल्ला झाड़ लेते हैं कि मतलब हमें प्रोटेस्ट से क्या मिलने वाला है, हमें भी यातनाएँ होंगी, ऐसा कुछ। तो देखिएगा, एक मंच पर आना होगा, एकजुट होना होगा। दूसरी बात ये भी है दोस्तों कि देखिएगा, जो हमारा उस टाइम का प्रोटेस्ट था, आप उस रूपरेखा पे जाइए, टाइमलाइन पे जाइए, अब मैं नहीं बोलता लेकिन देखिएगा, इतना भी सही कुछ नहीं है कि एक क्या मामला था कि 2017 की बात है, 17-18 की बात है कि हम ग्रेड पे बढ़ाना चाहते हैं, वेतन विसंगत दूर कराना चाहते हैं और गवर्नमेंट नहीं कर रही है, इसके खिलाफ हम आंदोलन कर रहे हैं। और हमने आंदोलन क्या किया, वृक्षारोपण करके, न्यूज कट छपी थी कि कर्मचारियों ने या फिर लिपिक वर्गीय ने लिपिक वेतन विसंगति न बढ़ाए जाने का विरोध किया है वृक्षारोपण करके। तो अगर हम ऐसा करेंगे तो गवर्नमेंट तो ऑलरेडी या फिर कोई भी चाहेगा कि हम और ज़्यादा नाराज हो जाएं ताकि हम और ज़्यादा वृक्षारोपण करें, तो या फिर कुछ ऐसे बचकानी सी हरकतें हम लोगों की रही हैं पहले टाइम पर, अगर हम उस टाइम लाइन पर जाएँ, जो कि जायज़ या सही नहीं है। तो अगर हम आगे की बात करें दोस्तों, तो अब ज़रूरत इसी चीज़ की है कि हम ऐसी कोई हरकत ना करें, और हम रिक्वेस्ट करते हैं अपने उन पुराने नेताओं से, पुराने लीडर से, पुराने मेरे साथियों से, आप एक बार फिर गाइड करिए, फिर एक बार हमें आप रास्ता दिखाइए एंड हम इस बार और सशक्त रूप से आपके सामने आने के लिए तैयार हैं। पिछली बार भी हमने गलती यही किया था कि हम सरकार पर यकीन कर गए थे और अंत टाइम पर हमें ये पता चल गया था कि सरकार हमारा कुछ सुनने वाली है नहीं है, और हम दूसरी सरकार की ओर झुकने लगे थे। और अब भी वही सेम सिचुएशन आ गई है, 2017-18-16 से मामला काफ़ी हाइप हुआ था वैसे, एंड अगर आप देखें तो 2021 ख़त्म होने वाला है 2016 की जैसे, एंड 22 या फिर 23 में चुनाव है, हम उसी परिस्थिति में आ गए हैं। तो अब हमें 2023 का, मतलब 2018 का इंतज़ार नहीं करना है उस टाइम के हिसाब से, अब हमें आज से ही, अभी से ही या फिर 2021 के लास्ट पे हमारा प्रोटेस्ट काफ़ी मजबूती पकड़ लेना चाहिए, ऐसा हम यकीन करेंगे, ऐसा हम सोच रहे हैं। और देखिएगा दोस्तों, जहाँ तक बात रही कुछ ऐसे सोच की कि अगर हम दूसरे संवर्ग को
अगर हम सपोर्ट करते हैं लाइक आउटसोर्सिंग कर्मचारी, अतिथि शिक्षक, जो बिजली कर्मचारी हैं या फिर कोई और कर्मचारी, देखिएगा हम ऐसे कमेंट्स रीड कर रहे हैं कि कुछ लोग बोलते हैं कि अगर हम उनका सपोर्ट करेंगे तो वो हमारा बैक में सपोर्ट करेंगे, ऐसा कभी हुआ नहीं है। अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा हो या फिर हम किसी ऐसे आंदोलन की बात करें, कोई भी हमारे सपोर्ट में नहीं आया है अभी तक, या फिर अभी ये जो अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा का सिर्फ महंगाई भत्ते तक के लिए और एरियर्स के लिए अगर हम एक साथ रहें तो ये जायज़ है, ये सही है। लेकिन जहाँ तक वेतन विसंगति और लिपिक की आ जाती है बात, तो आप यकीन मानिए, ट्रस्ट करिए, कोई सपोर्ट नहीं देने वाला, कोई साथ नहीं देने वाला। और अगर हम सोचते हैं कि हम पटवारी का या फिर कोई ऐसे और संवर्ग का, हम जो उनकी मांगे हैं उन पर हम लड़ेंगे, हम लिपिक वर्गीय लड़ेंगे एंड उनका हक दिलाएंगे, तो हमें हक दिलाने में मदद करेंगे, तो अभी हम इतने कमज़ोर हुए नहीं हैं और हमें ऐसी अपनी मानसिकता को त्याग देना चाहिए। क्योंकि कोई भी नहीं चाहेगा कि हमारा ग्रेड पे बढ़े, जो हमारी वेतन विसंगति है वो दूर हो। असल में एक बात और समझ लीजिए, जो नए नियुक्त हैं, जिनका नया नया अभी नियुक्ति हुई है, कि वेतन विसंगति दूर करना, ग्रेड पे कोई अभी से बढ़ाने की बात नहीं है। हमारे साथ बहुत अत्याचार शोषण होता आया है काफ़ी टाइम से, हम उसी को दूर कराने की मांग कर रहे हैं, उसी के बारे में हम बात कर रहे हैं। दोस्तों बताने को बहुत कुछ है, हमारे पास बहुत सारे ऐसे लेटर्स भी हैं, पुराने लेटर्स भी हैं, जिनको हम आपको दिखाएंगे, आपके सामने शेयर करते रहेंगे आने वाले दिनों में। फिलहाल आज के लिए इतना ही, लेकिन ये समझ लीजिए कि ये लड़ाई हम ही को लड़नी है। एंड मेरा अगेन रिक्वेस्ट है कि आप चाहे फाइनेंशियल की बात करें, हम खुद आपको हेल्प करेंगे, हम सभी कंट्रीब्यूट करेंगे। एंड लिपिक की वेतन विसंगति प्लीज़ बढ़ाइए। एंड जो इन फाइनल, अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है, तो एक फाइनल और बात है कि लिपिक वर्गीय एक काफ़ी अजीब समाकर है, पदनाम परिवर्तन। सर आप मुझे ये बताइए कि कोई भी मांग है, अगर पुराना भी अगर आप विज्ञापन देखें, अगर अभी का देखें, आप वेतन विसंगत के अलावा दूसरा कोई मुद्दा ऐड ही ना करिए, मेरा मानना है। क्योंकि अगर आप पदनाम परिवर्तन करते हैं तो बहुत सारे ऐसे रीजनल बैंक्स आपको देखने मिल जाएंगे, फॉर एग्जाम्पल जिनको बोला जाता है ये ऑफिसर वो ऑफिसर, उनकी सैलरी रहती है 10-11 हज़ार, तो क्या आप ऑफिसर कहलाने के लिए इतना कम पेमेंट लेना आप पसंद करेंगे? या फिर जो अभी आपकी हालत है, आप लिपिक वर्गीय हैं एंड यू डू योर बेस्ट एंड आप काफ़ी अच्छा वर्क करते हैं, यू आर बैकबोन ऑफ ऑफिसेस, आप इस बात को आपको समझना होगा। तो हमें नहीं लगता कि हमें पदनाम परिवर्तन को उतना जोर देना चाहिए, बल्कि आप गवर्नमेंट से एक बार और बोल दीजिए कि चाहे आप हमें भृत्य या भृत्य को लिपिक कहना स्टार्ट कर दीजिए और हमारा ग्रेड पे बढ़ा दीजिए। बस हमारी मेन मांग यही है एंड हम इस पे वीडियोस लाते रहेंगे दोस्तों। एंड अगेन आई रिपीट कि जो पहले हमारे साथियों के साथ हो चुका है, तो देखिएगा बात साफ है, मैं इस बात को समझता हूँ कि जो लिपिक वर्गीय कर्मचारी के विरोधी संगठन हैं, विरोधी लोग हैं, विरोधी सरकार है, उसकी नज़र में मैं हूँ, मैं आ चुका हूँ एंड मेरे साथ भी बुरा हो सकता है, जैसे कि मेरे पुराने साथियों के साथ हुआ था। इसीलिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि हम सभी को भरपूर कोशिश करनी होगी एंड हमें अपना सिर्फ अकेला स्वार्थ छोड़ के हम सभी के हित की बात करनी होगी। दोस्तों इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करता हूँ, मैं वीडियोज़ लाता रहूँगा एंड यूज़फुल जितने भी लेटर्स रहे हैं, जितने भी मुद्दे रहे हैं, जितनी भी बातें रही हैं, मैं सभी आपके सामने लाता रहूँगा, शेयर करता रहूँगा। एंड इसी उम्मीद के साथ कि हमारा ग्रेड पे बहुत जल्द बढ़ेगा, हम 2023 का वेट नहीं करेंगे बल्कि 22 में हमारा बढ़ जाएगा, मैं वीडियो समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।